इंद्रगढ़ शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर फूटा आक्रोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीराम चौराहे पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष नैनक राम मीणा के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अनिल मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में काफ़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता तहसील कार्यालय में मौजूद रहे। जो ये तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है और श्रीराम चौराहे पे प्रदर्शन किया है, ये किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया है? परम सम्माननीय हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल जी गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म करने के क्रम में ये ज्ञापन दिया गया है। राहुल जी गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा किए, जनता की भावना को जाना है। मोह नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोलने का उन्होंने जो प्रण लिया है, नंबर एक। नंबर दो, अपने बेरोजगारी मिटाने का। नंबर तीन, जो देश की प्रमुख पांच उद्योगपतियों को पूरा फायदा मिल रहा है और आम गरीब को नुकसान हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का। नंबर तीन, किसानों की, मजदूरों की और अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए हमारे राहुल जी ने जो संदेश पूरे भारतवर्ष में दिया है, हर आदमी, हर वर्ग, हर जाति को, उसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, तानाशाही सरकार, उसको नहीं पचा रही है। अतः उन पर लीगल तुरंत प्रभाव के साथ उनकी सदस्यता को रद्द किया है। अतः हम इसका पुरजोर कड़े से कड़ा विरोध करता है और राहुल गांधी जी के साथ पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जान देने के लिए भी तैयार है। राहुल गांधी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।